सो गाइस, तो हम आप लोगों के लिए फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों ने वायरस को किस तरह से क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए, इसलिए आप लोग इसका गलत यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को जो वायरस किस तरह से क्रिएट करेंगे। वायरस का मतलब ये नहीं जो कोरोना वायरस किस तरह से क्रिएट करेंगे। वायरस का मतलब हुआ जो आप लोग अपने लैपटॉप वगैरह में वायरस किस तरह से क्रिएट करेंगे, और इस वायरस को क्रिएट करके आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों को इसे जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा तक देखिए, और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल कॉल कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो हमने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीच में एक वायरस क्रिएट किया हुआ है। मैं आप लोग को भी बताऊंगा इसे किस तरह से क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए यदि आप लोग अपने दोस्त के लैपटॉप वगैरह में इसे सेंड कर देते हैं, यानी तो उसके लैपटॉप वगैरह में इस तरह से क्रिएट कर देते हैं, तो हो सकता है बाय द वे वो अगर इस चीज़ को ओपन करे तो उसे क्या दिखता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को इस पर एक बार क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ जो इसे ओपन करने पर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे फाइल क्रिएट होके आ चुका है, यहाँ पे कितने सारे फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। अब चलिए मैं किसी भी एक फोल्डर को ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर अ बैड बॉय, ठीक है। तो आप लोग भी ना कुछ इस तरह से क्रिएट करके अपने दोस्तों के लैपटॉप वगैरह में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इतना ही फाइल क्रिएट किया हुआ है क्योंकि इससे क्या होता है स्टोरेज प्रॉब्लम हो सकती है या स्टोरेज ज़्यादा फुल हो सकता है। तो आप लोग चाहे तो इससे अधिक भी बनाकर अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, यानी तो उसके लैपटॉप वगैरह में इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे आप लोगों को बना के दिखाते हैं। इसे बना के दिखाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर देते हैं, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं सारा का सारा जो मैंने बनाया है। सुगज, तो मैंने यहाँ से सारा का सारा कुछ डिलीट कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नोट पैड को ओपन करना पड़ेगा। नोट पैड को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इसे बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ कोड टाइप करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कोड टाइप करके दिखा दे रहा हूँ जो इसे इसमें किस तरह से टाइप करेंगे, वही बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भारी न लगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, सबसे ऊपर में आप लोगों को एक हेडर फाइल लिखना है, इको ऑफ लिख देना है, ठीक है। इको ऑफ लिखने के बाद आप लोगों को नीचे हो जाना है, और नीचे होने के बाद आप लोग यहीं से देखिए ये आपका बस मेन था, अब हो गया, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना है इको, और इको लिखने के बाद आप लोगों को स्पेस लगाना है, और स्पेस लगाने के बाद बीच में आप लोग यहाँ पे कुछ लिखना है जो आप लोग अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर सिस्टम इज हैक्ड। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया योर सिस्टम इज हैक्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा देना। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में स्पेस लगाना है, और आप लोगों को यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, और एंगुलर ब्रैकेट लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फोल्डर का नेम डालना पड़ेगा। तो हर एक फोल्डर का आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हर एक फोल्डर का हर एक नेम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही रहने देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हैक, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हैक, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे परसेंट लगाना है, और परसेंट लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है रैंडम, और रैंडम लिखने के बाद फिर से परसेंट लगा देना है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब हो गया, बस आप लोगों को इतना करना था। अब आप लोगों को क्या करना है, ये मैंने जो लिखा है आप लोगों को लिख लेना है, और इसको क्या करना है कॉपी कर लेना है। तो हम चलिए यहाँ से कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हर एक लाइन में से पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नीचे में से पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल भी से आप लोग इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले पेस्ट कर देते हैं। मैं कम से कम 10 फोल्डर ऐसे बनाता हूँ जिससे ओपन करने पर ये खुद ब खुद सारा का सारा फोल्डर ओपन हो सके। तो मैंने अभी क्रिएट कर लिया 5 फोल्डर, मैं यहाँ पे और कुछ 5 फोल्डर बना लेता हूँ। सो गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 टोटल 10 हो चुका है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 फोल्डर यहाँ मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। देखिए आप लोग इसमें ना 2 चीज चेंज कर सकते हैं, एक तो ये वाला जो मैंने ऊपर में लिखा है योर सिस्टम इज हैक्ड, और यहाँ पे ये जो है बीच में हैक मैंने दिया है। तो आप लोग ना यहाँ पे उस फोल्डर का दूसरा नाम भी दे सकते हैं, तीसरा नाम भी दे सकते हैं, चौथा नाम भी दे सकते हैं। तो बस आप लोग को बस ये चेंज करना है, और यदि आप लोग चाहते हैं इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है योर सिस्टम इज हैक, तो मैं जब भी कोई फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूंगा और जब भी वो उस फोल्डर को ओपन करेगा तो उसे ना हर एक फोल्डर में यही दिखेगा जो योर सिस्टम इज हैक, योर सिस्टम इज हैक, ठीक है। और वो सारा का सारा फोल्डर हैक नेम से ही रहेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फाइल पे चलते हैं, और फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। तो डेस्कटॉप पे हम चलिए यहाँ पे इसे हैक नेम से सेव कर लेते हैं। हैक लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे इसमें एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा जिसका नाम है .bat। .bat लगाने के बाद आप लोगों को इसे सेव कर देना है। ये सेव हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पे, चलिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। सो गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्डर बन के हमारे पास आ चुका है। हम ना अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, बट मैं आप लोग को इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब आप इस पर यदि कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो अभी आप लोग इस पर जाइएगा आइकन लगाने के लिए, तो आप लोग को यहाँ पे कोई भी आइकन का ऑप्शन नहीं मिलेगा।
तो यदि आप लोग आइकन भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और आप लोगों को चले जाना है न्यू वाले ऑप्शन पे, एंड देन आप लोगों को शॉर्टकट पे क्लिक करना है, और शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ब्राउजर पे क्लिक करके आप लोगों को उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो आप लोगों ने अभी क्रिएट किया है। तो मैंने हैक नेम से उस फाइल को बनाया था, तो चलिए हम इसमें देखते हैं हैक नेम से फाइल कहाँ पे है। तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है हैक नेम से फाइल, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ से ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, हमें यहाँ यहाँ से नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ और नेम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रैंक देता हूँ, प्रैंक डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप लोग हो सके तो इसे हाइड करके रख सकते हैं। जैसे मैं पहले इसे कट कर देता हूँ, कट कर दिया, एंड देन इसको आप लोग हाइड करके रख सकते हैं यहाँ से। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे हिडन पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये थोड़ा हाइड हो चुका है, अब उतना नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पे आइकन लगाना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे, और प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को चेंज आइकन पे क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप लोगों को ओके कर देना है, और आप लोगों को यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके करूंगा, और ओके करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अप्लाई कर देना है। और जैसे आप अप्लाई कीजिए तो देखिए वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए ये एक फाइल बन के आ चुका है, एक आइकन बन के आ चुका है, एक वायरस बन के आ चुका है। हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो 10 फोल्डर खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए कुछ देर बाद यहाँ पे सारा का सारा बन के आ चुका है। देखिए यहाँ पे सारा का सारा 10 फोल्डर बन के आ चुका है। अब ना वो क्या करेगा, किसी भी फोल्डर को ओपन करेगा तो देखिए उसे हर हर फोल्डर में यही दिखेगा, योर सिस्टम इज हैक। जैसे मान लीजिए मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है योर सिस्टम इज हैक। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, योर सिस्टम इज हैक। तो वो ना जिस भी फोल्डर को ओपन करेंगे ना, उसे हर फोल्डर में ना बस यही दिखेगा। तो आप लोग ना इस तरह से वायरस बना के अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग इसमें, मैंने यहाँ पे 10 बनाया है, आप लोग हो सके तो 100 भी बनाकर अपने दोस्तों के साथ एक प्रैंक कर सकते हैं। जैसे उसे ओपन करेगा तो उसके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर 100 फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा, तो वो चौंक जाएगा जो ये क्या हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका हार्मलेस यानी हार्मफुल यदि सीखना है जिससे कि सिस्टम क्रैश हो सके, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो पे 100 कमेंट करना है। यदि आप लोगों का 100 कमेंट इस पर रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बिल्कुल कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।